राम और भगवान कृष्ण की अद्भुत एक मैत्री है। आप राम भक्त हो इसका मतलब आप कृष्ण से वैर नहीं कर सकते। आप कृष्ण भक्त हो तो ये नहीं कह सकते कि राम जी छोटे हमारे कन्हैया जी बड़े। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। बस एक ही फर्क है, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं, एक अंतर है क्या, इनके नयन तो बड़े गंभीर है, राम जी के बड़े गंभीर है और ठाकुर जी के नयन ले एक जगह एक सेकंड से ज्यादा टिकते ही नहीं। जब देखो यहाँ वहाँ घूमते रहते, ये इनकी विशेषता। पर हाँ, राम जी वालों में और कृष्ण जी वालों में थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा झगड़ा हमेशा चलता आया है। राम जी वाले कहते हैं हमारे राम जी बड़े, कन्हैया जी वाले कहते हैं हमारे कन्हैया जी बड़े। एक बार तो साधारण लोग तो छोड़ो, एक बार तो बाबा तुलसीदास और सूरदास जी आपस में भिड़ गए। सूरदास जी और तुलसीदास जी जब भी मिलते तो आपस में अपने इष्ट की बड़ाई करते। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हमारे राम जी अच्छे हैं, कम से कम मर्यादा में तो रहते, तुम्हारे कन्हैया को देखो, जब देखो चोरी करते, जब देखो झूठ बोलते। अभी भी समय है, पार्टी बदल लो, क्योंकि जीत तो आखिर में हमारी पार्टी की होने वाली। सूरदास जी बोले ऐसे कैसे बदल लें, जो भी हैं हमारे भले टेढ़े हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, भले टेढ़े हैं पर हैं तो हमारे प्राण, ऐसे कैसे बदल लेंगे। तुलसीदास जी बोले आज नहीं तो कल, आना तो आपको इन्हीं की शरण में पड़े। तुलसीदास जी बोले काम ना कर ले, हम दिन रात झगड़ते रहते, आज फैसला कर ही लेते कि आपके कन्हैया जी बड़े या हमारे राम जी बड़े। बाबा सूरदास बोले कैसे कैसे फैसला करोगे। बोले सीधी सी बात है, एक तराजू लेंगे, एक तराजू में आप अपने लाला को लेके बैठ जाना, एक तराजू में हम अपने राम जी को लेके बैठ जाएंगे, जिसका पल्ला भारी वो भगवान बड़ा, और फिर उसको उसी की टीम में जाना पड़ेगा। आपके बारी तो हम आपके वाले का भजन करेंगे और आप हमारे बारी तो आपको हमारे की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। सूरदास जी बोले ठीक है, लाओ तराजू लाओ। तराजू लाए, तराजू गाड़ दिया गया। बाबा तुलसीदास जी बोले सूरदास जी तैयार हो। बोले हाँ जी तैयार। बोले लो अपने इष्ट का नाम और बैठ जाओ तराजू। सूरदास जी ने लिया अपने इष्ट का नाम और जोर से जयघोष किया, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, और लेके अपने गोपाल जी को पल्ला में बैठ गए। अब बोले तुलसीदास जी को बाबा आप बैठिए, अब आपका नंबर। और बाबा जी ने लिया अपने इष्ट का नाम, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, और बैठ गए पल्ले। और जैसे बैठे तो क्या हुआ, बोले हुआ ऐसा कि जैसे बैठे तुलसीदास जी का पल्ला तो नीचे आ गया और बेचारे बाबा सूरदास जी अटक गए ऊपर, पल्ला ऊपर पहुंच गया एकदम। अब कौन भारी हुआ, राम जी। अब बाबा बोले कि बस हम बोलते थे ना कि चोर का भजन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, आना है तो इनकी शरण में आ जाओ, इसलिए अब माना नहीं तो अब मानना पड़ेगा। बेचारे सूरदास जी क्या कर सकते, मुंह लटकाए, झोला में अपने गोपाल जी डाले और लेकर के घर आ गए, अपनी कुटिया पे आ गए। सूरदास जी से भगवान बाल रूप में रोज बातें करते थे, लेकिन आज सूरदास जी से लाला बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी मुंह फुलाए बैठे। आज तुझसे बात नहीं करनी, तू तो धोखा दे गया, तेरा क्या भरोसा, आज यहाँ धोखा दिया कल भरी सभा में दे देगा। धोखे देने की तो तुम्हारी आदत है बचपन से ही, हम तुम्हारा भजन आज से करेंगे ही नहीं। तुलसीदास जी ठीक कहते थे, चोर का भजन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए जाओ दूर चले जाओ यहाँ से, हमसे बात मत करो। तुम्हें बड़ा भजन आ गया, पूतना को मारने के लिए तुमने बड़ा भजन बढ़ा लिया, आज जब हमारी भक्ति की परीक्षा थी इतना सब भजन नहीं बढ़ा सकते थे तुम। ठाकुर जी बोले बाबा नाराज क्यों हो रहे हैं, गुस्सा मत करो, आप गुस्सा हम पर कर रहे हो जबकि गलती आपकी है। सूरदास जी बोले हमारी गलती, लो लो भैया ऐसा समय आ गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती और हमारे ऊपर थोप रहा कि हमारी गलती है। ठाकुर जी बोले बाबा गुस्सा मत हो,
देखो आप बस इतना बताओ, आप जब पल्ला में बैठे थे तो आपने क्या बोला था? क्या बोला था? आपका नाम लिया था, नाम तो लिया था, पर कौन सा नाम लिया था? बोले बाल कृष्ण लाल की। अच्छा, बाल कृष्ण लाल की नाम लिया, तो एक तो हो गए आप और एक हो गए हम, मतलब दो, हम दो हो गए, दो पल्ले में बैठ गए। तुलसीदास जी जब बैठे पल्ले में तो उन्होंने क्या नाम लिया था? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो सिया, राम और तुलसी, उधर हो गए तीन, इधर हो गए दो, अब बताओ कौन भारी हो गए? अब हुए ना ज्यादा, अब बताओ तीन ज्यादा होते कि दो ज्यादा होते? अरे आपको इतना ही था तो बाल कृष्ण लाल की काय को बोला आप भी हमारी राधा रानी का नाम ले लेते, तीन हो जाते हिसाब बराबर, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सूरदास जी बोला अच्छा तो अब समझ आई, ये यहाँ गड़बड़ हुई थी, कोई बात नहीं, तुरंत झोला में डाला गोपाल जी को, फिर से पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। बोले बाबा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया था, आ जाओ तराजू लेके दोबारा नपेंगे, दोबारा तुलेंगे। तुलसीदास जी बोले एक बात बताऊं आपको, हिसाब किताब एक बार होता है, और दूसरी बात जिसने तुमको सिखा पढ़ा के भेजा है ना ये पट्टी, उसको जाके बोल देना एक बार हिसाब हो गया सो हो गया, अब नहीं तुलने वाले। बेचारे सूरदास जी मुंह लटकाए क्या करें, चलने लगे, देखा तुलसीदास जी ने बड़े दुखी हैं बेचारे, तुरंत तुलसीदास जी आए और इनको गले से लगा करके कहा रे बाबा तुम काय को चिंता कर रहे हो, ना तो तुम्हारे ठाकुर जी छोटे ना हमारे राम जी छोटे, ये तो भक्तों का भाव है, जिसको मानते उनको हृदय में भर के रखते हैं, राम जी भी वही हैं और कृष्ण जी भी वही हैं, आप राम को भजो कृष्ण को भजो क्या भेद है, और दोनों भक्त आपस में गले लगे। तो ये मीठा मीठा झगड़ा होता, कुछ दिल से नहीं होता, लेकिन बाहर से कभी कभी राम जी वाले और कृष्ण जी वाले आपस में करते रहते हैं।